हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हम आपकी वर्कशीट देख रहे हैं। वर्कशीट नंबर 28 इंग्लिश की वर्कशीट, 8 सितंबर की ये वर्कशीट है। तो ये जो वर्कशीट है ये है आपका लिटरेचर पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। तो आपका एक पैसेज है, उसको आपको पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, मतलब समझना है, और उसके बेस जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करना है। तो जब मैं यहाँ पर पैसेज पढ़ रही होंगी और उसे समझा रही होंगी, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। हम सजेस्ट करेंगे कि पहले आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और उसके बाद हमारी वीडियो से इसे क्रॉस चेक कर लें। तो चलिए मैं जल्दी से ये पैसेज पढ़ देती हूँ। बिस्मिल्ला खान वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो बिस्मिल्ला खान जो थे वो शहनाई प्लेयर थे, बहुत बड़े, जो इंडिया के बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देर इज अ स्टोरी। तो शहनाई जो है, जो ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप गूगल करेंगे शहनाई कैसा दिखता है तो आपको पता चल जाएगा। आपने शादियों में भी सुना होगा, बहुत ही तीखी सी इसकी ध्वनि है, साउंड है। तो ये अब हम आया कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ हमारी कंट्री में? तो पुंगी नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअली, जो एम्परर औरंगजेब जो थे तो उन्होंने जो है इसे बैन कर दिया था। पुंगी अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब। अब क्यों बैन कर दिया था? फॉर इट्स श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। तो उसकी बहुत ही तीखी आवाज थी, श्रिल मतलब तीखी आवाज थी, और अनप्लेजेंट मतलब बहुत ही अजीब सी, मतलब अच्छी साउंड नहीं करती थी, प्लेजेंट नहीं थी, दिल को सुकून नहीं देती थी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस हैविंग एक्सेस टू द रॉयल पैलेस decided to improve the tonal quality of fungi. तो एक बार्बर था, एक नाई था, जिसकी जो फैमिली थी वो म्यूजिशियंस की थी, मतलब वो गाया करते थे, और वो जो थे वो रॉयल पैलेस का उनको एक्सेस था, वो वहां पर जाते थे। तो इसलिए उन्होंने फिर डिसाइड किया कि जब पुंगी जो है वो बैन हो गई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसकी जो टोन है, उसकी जो आवाज है, उसको वो इम्प्रूव करेगा। ही मॉडिफाइड इट एंड वेन प्लेड ऑन इट स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस। तो उन्होंने जो पुंगी नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसको मॉडिफाई किया, उसको मतलब चेंज किया, उसमें कुछ चेंजेस लाए, और उसे जब बजाया तो स्वीट और सॉफ्ट साउंड्स जो है वो निकलने लगी। व्हेन इट वॉज प्लेड बिफोर द किंग ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट। तो जब ये औरंगजेब के सामने जब इसे बजाया गया, उस नाई ने इसे बजाया, तो वो जो थे किंग जो थे, राजा जो थे, बहुत ही इम्प्रेस हो गए। Since it was played in Shah's chambers and was played by a Nai, it was named Shehnai. तो उसका नाम, शहनाई का नाम कैसे पड़ा? कैसे पड़ा कि जो, क्योंकि उसे शाह, औरंगजेब जो थे, शाह जो है मतलब जो राजा होते हैं उनको भी शाह बोला जाता है, जैसे शाहजहां, तो उसका मतलब ही राजा होता है। तो उनके जब कमरे में इसे बजाया गया, और साथ ही क्योंकि नाई ने इसे बजाया था, नाई ने बनाया था और बजाया था, तो इसलिए उसका नाम जो है शहनाई पड़ गया। Its sound is considered auspicious. इसकी जो आवाज है उसे बहुत ही लकी माना जाता है, शुभ माना जाता है। auspicious का मतलब होता है शुभ। For this reason, it is played only in the temples and weddings. तो इसी वजह से, क्योंकि इसे बहुत शुभ माना जाता है, auspicious माना जाता है, इसी वजह से इसे जो है मंदिरों में, temples में और weddings में, मतलब शादियों में इसे बजाया जाता है। बिस्मिल्ला खान, अब उनके बारे में यहाँ आपको बताया गया है। बिस्मिल्ला खान बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। तो उनकी जो फैमिली थी उसमें प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट द विष्णु टेम्पल इन बनारस। फैसिनेटेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाना, अचंभित हो जाना। तो वो जो है बहुत ही फैसिनेटेड थे किससे? उनकी जो अंकल की जो शहनाई प्लेइंग थी, तो उनके जो अंकल थे वो बनारस के विष्णु टेम्पल में जो है वो शहनाई बजाया करते थे, उससे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। ही बिकेम हिज डिसाइपल, वो उनके शिष्य बन गए। बालाजी एंड मंगल मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ द होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस। तो उनके जो बालाजी टेम्पल था और जो मंगल मैया टेम्पल जो थे, और साथ ही साथ गंगा के जो किनारे थे, बैंक्स का मतलब यहाँ पर है किनारा, तो नदी का किनारा, तो बैंक्स ऑफ होली गंगा, ये उनकी फेवरेट जगह थी बिस्मिल्ला खान की। ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड देयर। तो वहां पर वो जो है अकेले में शहनाई बजाया करते थे। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला, अकेला होना। तो वहां पर अकेले में वो शहनाई बिस्मिल्ला खान बजाया करते थे। इन 1938 ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।
तो 1938 में जो है ऑल इंडिया रेडियो में उन्हें सिलेक्ट किया गया, लखनऊ के जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो था, एफएम स्टेशन जो था, वहां पर उन्हें सिलेक्ट किया गया। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, तो वो रेडियो पे जो है शहनाई बजाया करते थे और बहुत ही पॉपुलर थे। When India got independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his shehnai. तो 15th August को जब 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो बिस्मिल्ला खान ने जो है सारे देशवासियों के सामने जो है शहनाई बजाई। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम दैट ही नेम्ड अ फिल्म गूंज उठी शहनाई। तो विजय भट्ट नाम के जो फेमस डायरेक्टर थे उस समय इतने इम्प्रेस हुए इनकी शहनाई से कि उन्होंने एक फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया बिकेम अ नेशन वाइड सुपरहिट। तो एक गाना भी था जिसमें उन्होंने शहनाई बजाई जो था दिल का खिलौना टूट गया, वो भी जो है पूरे नेशन में, पूरे भारत में जो है सुपरहिट हो गया। बिस्मिल्ला खान वॉज रिकग्नाइज एंड ऑनर्ड बाई मेनी कंट्रीज, तो उनको बहुत सारी कंट्रीज में रिकग्निशन मिला, उनको बहुत ज्यादा सम्मान मिला। ही गेव हिज परफॉर्मेंसेज इन द USA, UK एंड एट वेरियस अदर प्लेसेज, तो उन्हें अलग अलग कंट्रीज जैसे USA, UK और बाकी और जगहों पे भी उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड द रिवर गंगा, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा बनारस को याद करते थे उसको और पूरी तरह से उसकी तरफ समर्पित थे, डिवोटेड थे गंगा की तरफ भी और बनारस की तरफ भी। ही मिस्ड देम व्हेन ही वाज अब्रॉड, तो जब जब वो बाहर जाया करते थे टूर्स पे, विजिट्स पे जाया करते थे, तो वो जो है वो गंगा और बनारस को बहुत ज्यादा मिस करते थे। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि बाद में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बिस्मिल्ला खान वॉज अ सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, तो वो जो है वो एक सिंबल थे हमारे इंडिया का, जो भारत का जो रिच और कंपोजिट कल्चर है, मतलब कि ऐसा कल्चर जिसमें अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग वेरिएशन के लोग साथ में मिलकर रहते हैं, मिक्स होकर रहते हैं। कंपोजिट का मतलब होता है मिक्स होना है और मल्टीपल होना, मतलब अलग अलग तरीके का होना। तो ऐसे कल्चर के लोग जो है इंडिया में रहते हैं, तो बिस्मिल्ला खान जो है वो उसी के एक सिंबल थे, प्रतीक थे। He was awarded the highest civilian award, the Bharat Ratna, in 2001. So, 2001 में जो है हमारी कंट्री का जो highest civilian award जो है भारत रत्न, वो उन्हें दिया गया। तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है, जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए इन्हें पहले खुद अटेम्प्ट करने की और फिर उसके बाद आप हमारी वीडियो देख के इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहला ए पार्ट है आपका, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज ऑफ इट, तो औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों किया, तो मैं ऑलरेडी आपको ये सब समझा चुकी हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज्यादा नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट हम इसके आंसर्स अब देख लेते हैं। तो पहला है कि श्रिल साउंड थी, बहुत तीखी आवाज थी, अनप्लेजेंट साउंड थी, वो ज्यादा अच्छी नहीं सुनाई देती थी। तीसरा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, और फोर्थ है बोथ वन एंड टू, तो ऑफकोर्स बोथ वन एंड टू। फिर है बी पार्ट है आपका, बिस्मिल्ला खान वॉज अ फेमस, वो कौन थे बिस्मिल्ला खान, वो फेमस शहनाई प्लेयर थे, संतूर, सितार, मृदंगम, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट वो जो है वो शहनाई बजाते थे, उसके वो फेमस प्लेयर थे। सी पार्ट है, ही वॉज सिलेक्टेड फॉर डैश इन 1938 में उन्हें किस चीज के लिए सिलेक्ट किया गया था, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई बजाने के लिए सिलेक्ट किया गया था। फिर डी पार्ट है, विजय भट्ट अ फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म, विजय भट्ट ने अपनी फिल्म का नाम क्या रखा था, गूंज उठी शहनाई, थर्ड ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। फिर बिस्मिल्ला खान मिस्ड डैश व्हेन ही वाज अब्रॉड, जब वो बाहर जाते थे वो क्या मिस करते थे, वो बनारस और गंगा जो नदी है वो मिस करते थे। ही वाज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डैश इन 2001, तो बिस्मिल्ला खान को 2001 में कौन सा अवार्ड मिला था, उन्हें मिला था भारत रत्न का अवार्ड। फिर उन्हें मिला, अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड, तो पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब है मल्टीपल या मिक्स्ड। तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, सॉलिट्यूड का मतलब है अकेले रहना, ऑस्पिशियस का मतलब है बहुत शुभ, फैसिनेटेड का मतलब है बहुत इंप्रेस होना, बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाना, खुश हो जाना, तो कंपोजिट का मतलब है मिक्स्ड या मल्टीपल, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन दी सेंटेंस उस्ताद फयाज खान वॉज ओवरजॉयड, द अंडरलाइंड वर्ड इज डैश, तो ये जो वर्ड है आपका ओवरजॉयड, तो ये क्या है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है या कंजंक्शन है,
तो कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, जैसे एंड और बट। फिर नाउन वो होता है जो किसी आदमी, जगह या प्लेस का जो है नाम हो, चीज का नाम हो। तो यहाँ पर उस्ताद फयाज खान जो है वो नाउन है। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन की कोई क्वालिटी बताए कि कोई इंसान या कोई जगह या कोई चीज कैसी है। तो यहाँ उस्ताद फयाज खान के बारे में कोई क्वालिटी तो यहाँ नहीं बताई गई है कि वो टॉल थे, लंबे थे या जैसे थे, तो वो सब नहीं बताया गया, तो एडजेक्टिव भी नहीं है। लेकिन ओवरजॉयड, तो ये बताया गया है कि उस्ताद फयाज खान क्या कर रहे थे, तो वो ओवरजॉयड थे, वो बहुत ज्यादा खुश थे। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए वर्ब जो है वो यहाँ पर सही होगा। आज के लिए आपकी इस वर्कशीट में इतना ही है। इस वर्कशीट को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वर्कशीट से ये अच्छे से समझ आ जाए और हेल्प मिल सके। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।